गोड्डा संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर निशिकांत दुबे विजयी रहे। निशिकांत दुबे अपने विरोधी जेवीएम के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप यादव को करीब 1.5 लाख मतों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया। मतदान के परिणाम आने के बाद गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनुकांत दुबे सहित पूरे परिवार ने एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाकर खुशियां बांटी। पहली बार बात करने के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रदीप यादव का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। अहंकारी आदमी किस तरह से पतित और पाप उसका ये होता है, दुर्भाग्य होता है, ये आज उसकी निशानी है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 23 तारीख के बाद जो मैंने बयान दिया था, यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो गोड्डा में मैं खुद से धरना पर बैठूंगा और गोड्डा में पूरा का पूरा जनता जो है रोड पर बैठेगा। आग लगना मैंने मुहावरा कहा था, आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ। इसका राजनीतिक करियर मैं बंद कर, मेरी वाइफ के बारे में अनर्गल लाभ किया था, उसका जवाब जो है जनता ने